खाते हैं और इधर जो है काफी जो पुराने जो मंदिर है उनसे कुछ जानकारी लेते हैं और उसके बारे में कुछ पूछते हैं। तो लेके आ रहे हैं, इधर भी लेके चलते हैं। चलिए आपको दिखा रहे हैं यहाँ के, यहाँ के जो पंडित जी हैं जो काफी फेमस है उनसे कुछ जानकारी लेते हैं और पंडित जी से कुछ पूछते हैं जो कि यहाँ काफी फेमस है, मतलब बहुत दिन से पूजा करते आ रहे हैं। तो चलिए कुछ पंडित जी से जानकारी लेते हैं, उनसे पूछते हैं, उसके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। तो देख सकते हैं, चलिए यहाँ का नज़ारा आपको दिखाते हैं। चलिए यहाँ का देख सकते हैं, जो पंडित जी हैं उनसे कुछ जानकारी लेते हैं जो कि यहाँ के मंदिर के लगते हैं पुजारी के रूप में है, काफ़ी फेमस यहाँ के जो पुराने जाते हैं, तो उनसे कुछ जानकारी लेते हैं पंडित जी से इसके बारे मंदिर के बारे में कुछ। यहाँ सबसे पहले आपका स्वागत है पंडित जी, बोलिए। तो मंदिर के बारे में कुछ विशेषता बताएं, मंदिर कब से पूजा हो रहा है? ये 2018 से शुरू हुआ। 2018 से शुरू हुआ है ना। तो मंदिर में कितने बजे से सुबह पूजा होता है, कितने बजे शाम तक लगभग? सुबह देखिए 5 बजे भोर मंदिर तो खुल जाता है, आरती माने आरती उरती करते करते 8 बजे आता है। आरती के बाद फिर अपना फिर जगह जगह में जितना ब्राह्मण लोग अपना अपना स्थान में चल जाता है, पूजा स्टार्ट हो जाता है 8 बजे से लेके 1 बजे तक। 1 बजे भोग लग जाता है, फिर 2:30 बजे खुल जाता है। तो मंदिर में इसे मेला वगैरह कुछ फेमस लगता होगा, कब लगता है मंदिर में? यहाँ मेले मेला है, सब समय मेला लगता है। आते साल में एक दो बार होता है ना कि फेमस, जैसे राम का जन्मदिन या कुछ ऐसा कुछ उत्सव पर, मकर नवमी में जैसे मकर संक्रांति में भी होता है और आपका रामनवमी में भीड़ होता है, तो शिवरात्रि में भीड़ होता है, दुर्गा पूजा में नवरात्रा जब होता है उस समय भी भीड़ होता है। हाँ, सब जब मैं जितना पूजा होता है ना सब में भीड़ होता है। ये मंदिर की कुछ खास विशेषता, यहाँ की सच्चाई, यहाँ के कुछ राज बता पाएंगे कुछ? यहाँ पर राज देखिए क्या है कि देखिए यहाँ जो भी यात्री आते हैं, कोई भी भक्त आते हैं, यहाँ मन्नत करते हैं, पूजा करते हैं, उसका श्रद्धा भक्ति होता है, वो मानसिक करता है तो उसका सब पूरा हो जाता है। पूरा आदमी के लाखों लाख आदमी का पूरा हो चुका है। हाँ, यहाँ और यहाँ क्या है, शक्ति क्या है कि जो यात्री आता है मानसिक करता है कोई चीज़ के लिए कि हमको ये चीज़ पूरा होना चाहिए भगवान। हाँ, अगर उसका यदि सत है तो 24 घंटा पूरा हो जाता है। यहाँ पर जो धागा बनते हैं इसका क्या कुछ राज है बताएंगे धागे के बारे में? धागा, हाँ धागा जो देखिए ये हनुमान जी आपका बहुत पुराना है। यहाँ क्या है, शक्ति क्या है इधर, इसमें क्या है कि इस चुनरी में, चुनरी में सिक्का पैसा फूल डाल के और कुछ मन में बोल के और बांध के चल जाएगा और कहीं किसी को बोलेगा नहीं, किसी को बोलेगा नहीं, किसी को बोलेगा नहीं, मन्नत जो किए किसी को बोलना नहीं है, तो मन में रह जाना है। जब मन्नत पूरा हो जाता है तो पूरा हो जाता है तो उसमें हल्ला करना है कि मेरा मन्नत पूरा हो गया। हाँ, फिर आइए पंडित जी से संपर्क कीजिए, फिर आपका चुनरी खोल के आपका विसर्जन करके आपका चुनरी आपको दे दिया जाएगा। दे देंगे, देने के बाद आपको नदी में जाके प्रभा कर देना है, जो नदी पीछे तरफ। हाँ हाँ, नदी में प्रभा कर देना है आप, फिर अपना आपका इच्छा है तो फिर मन्नत कर सकते हैं। मंदिर में आप कितने बजे से कितने बजे तक रहते हैं? 24 घंटा ही रहते हैं यहाँ पर आप? हम लोग जैसे सुबह आते हैं ना, सुबह से लेके 8 बजे रात तक। हाँ, लास्ट। तो अपना नंबर बता दें ताकि आप यहाँ से कोई भी अगर भक्तगण आए तो आपसे संपर्क कर सकते हैं। आपका नंबर तो मेरा 8210154003 है। तो देख सकते हैं पंडित जी अपना नंबर दे चुके हैं, कभी भी आ सकते हैं तो यहाँ पर सामने रहते हैं। पूजा पाठ के लिए अगर नियम धर्म के लिए कोई भी अगर कबूल जो भी करना चाहते हैं तो पंडित जी से संपर्क करके यहाँ करा सकते हैं, बिल्कुल आपको मान्यता यहाँ पर पूरा हो जाएगा। यहाँ का डिस्क्रिप्शन जो लिंक मैं आपको इनबॉक्स में दे दूंगा, बिल्कुल आप यहाँ से पीछे तरफ से देख सकते हैं। आज के लिए कैमरामैन आप तक अंकित कुमार के साथ, जय हिंद।